जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति आज 31 मार्च है और सरकार की तय तिथि थी कि आज सबके खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेज दी जाएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज बहुत 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 सारे बच्चों की छात्रवृत्ति आई है। तो आइए हम बात करते हैं कि अवध विश्वविद्यालय, नॉट ओनली अवध विश्वविद्यालय, ऑल ओवर द बीएड सेकेंड ईयर के कित बच्चों की स्कॉलरशिप कितनी आई है और मोस्टली बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई है। ये जो स्कॉलरशिप है ना वो अजीब तरीके से आ रही है। कुछ बच्चों के 10 बजे आ गए, कुछ के 12 बजे, कुछ 2 बजे, 4 बजे, ऐसे करके स्कॉलरशिप आ रही है। लेकिन हाँ, बच्चों की स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई है। तो चलिए बात करते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप मिली और बच्चों की स्कॉलरशिप कब आई है। तो सबसे पहले ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 21 बच्चे की स्कॉलरशिप आई है 33,180 रुपया। इनको कुछ ज़्यादा मिल गया, ठीक है, 33,180 रुपया मिला इनको। कब मिला था? 12:21 पे, दोपहर में ये स्कॉलरशिप आई थी। और ये तुरंत की स्कॉलरशिप है जिनको 2:12 पे आए हैं, 31,360 रुपये। बी एड सेकेंड ईयर के मोस्टली बच्चों की स्कॉलरशिप इतनी ही आई है। कितनी आई है? 31,360 रुपये। और क्योंकि इनका फीस होता है 30,000 और 1,360 रुपये एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप के लिए आई है। और नेक्स्ट देख ले तो ये देखिए, इनकी स्कॉलरशिप भी 31,360 रुपये आई है और इनकी भी सुबह ही आ चुकी थी, ऑलमोस्ट 12 बजे स्कॉलरशिप इनकी आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31,360 रुपये। ऐसे आप और भी देखेंगे तो 10:47 पे इनको भी 31,360 रुपये की स्कॉलरशिप आ चुकी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी बात कर लें, 11:44 पे देखें तो 36,360 रुपये। कहने का मतलब है मोस्टली जो बच्चों की स्कॉलरशिप आई है वो 30,000 उनका फीस रिफंड हुआ है और एक्स्ट्रा कुछ बच्चों के 1,360 तो कुछ बच्चों के 3,000 और समथिंग रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। 30,000 से अबव स्कॉलरशिप आ रही है और मोस्टली बच्चों का 31,160 रुपए स्कॉलरशिप मिल रही है। अब आप बताएं कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आई है और क्या आपकी स्कॉलरशिप आई है कि नहीं आई है। और नहीं आई है तो बिल्कुल घबराइएगा मत। शिफ्ट वाइज आई डोंट नो कि कैसे स्कॉलरशिप मिल रही है, कैसे बच्चों के अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज या कॉलेज वाइज, क्योंकि जिस कॉलेज का ये स्कॉलरशिप है ना उस कॉलेज के कुछ बच्चों का नहीं आया है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कॉलेज वाइज मिल रही है, क्योंकि एक ही कॉलेज के कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई है और कुछ बच्चों की अभी तक नहीं आई है और कुछ बच्चों की सुबह ही आ गई थी। तो घबराइए मत, अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है, नीचे से पूरा ग्रीन है, तो यकीन माने आपकी स्कॉलरशिप आनी ही है। आज आ जाएगी, नहीं तो कल तो आ ही जानी है। तो इस प्रकार से स्कॉलरशिप वितरण शुरू हो चुका है। यह खुशी का इन्फॉर्मेशन था, आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और हाँ, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया हो तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं और अमाउंट बताएं कि कितना मिला है। और साथ ही साथ आप अपना कोर्स बता सकते हैं, ईयर बता सकते हैं कि अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं तो बता दें कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आई है और कब आई थी, डेट और टाइम भी मेंशन कर दें, ताकि दूसरों को ऐसे एक मदद मिल जाएगी, एक हेल्प मिल जाएगी, उन्हें भी तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ स्कॉलरशिप आ रही है। और नहीं आई है तो घबराइएगा मत, अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है तो स्कॉलरशिप आपको मिलनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। एक छोटी सी जानकारी थी छात्रवृत्ति के रिगार्डिंग, आप सबके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था, अच्छा लगा शेयर करके। बाकी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक कमेंट में आप बता दें कि आपकी छात्रवृत्ति कितनी आई है। जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और साथ रहिए, साथ मिलकर पढ़ेंगे। जय हिंद।